नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका आज सात की बात में। और सात की बात में तीन मुद्दों पर बात होगी जो आज के सबसे अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा अन्नदाता का। वैसे तो किसानों का आंदोलन 11 महीने पुराना है, लेकिन करनाल में यह आंदोलन नया सा लग रहा है, क्योंकि एक बार फिर से किसान और अधिकारियों के बीच 3 घंटे वार्ता हुई, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। लेकिन ऐसे में जहां करनाल की धरती किसान और जवानों का अखाड़ा बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ आज केंद्र सरकार ने किसानों को मनाने के लिए नया तरीका अपनाया है। और क्या है वो तरीका, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए अहम फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022 से 23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच ये बड़ा फैसला देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए MSP में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 की तर्ज पर पहुँच गई है, जबकि जौ के MSP में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के मुताबिक मसूर, रेपसीड तथा सरसों के MSP में पिछले साल की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई। इससे सभी अधिशेषित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वक्त में अलग अलग फसलों की MSP में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, उससे किसानों की आय दुगनी की ओर एक कदम आगे बढ़ा जाएगा। ये फैसला ऐसे समय पे है जब चारों तरफ किसान आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की महापंचायत लगातार हो रही है और ऐसे में 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मुख्यतः नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो पूरी तरीके से फोकस किसानों पर है। वहीं हरियाणा के करनाल में न्योता मिलने के बाद राकेश टिकैत, गुरनाम चडूनी, योगेंद्र यादव और सुरेश कौत समेत 11 किसान नेता प्रशासन से वार्ता के लिए पहुंचे और लगातार पुलिस प्रशासनिक अफसरों के साथ किसान नेताओं की बातचीत जारी रही। प्रशासन ने धरने पर बैठे किसानों को दोपहर 2 बजे तक वार्ता के लिए बुलाया था। इससे पहले किसानों ने बुधवार को निर्मल कुटिया और जाट भवन होकर सचिवालय जाने वाले रास्ते पर लगाए बैरिकेड हटवा दिए। हजारों किसान बस्तारा टोल पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सचिवालय का घेराव कर धरने पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन ने बुधवार को GT रोड से सचिवालय जाने वाले रास्ते पर निर्मल कुटिया के पास फिर बैरिकेटिंग कर दी। साथ ही जाट भवन होकर सचिवालय जाने वाले मार्ग पर भी अवरोधक लगा दिए थे। बुधवार सुबह से दोनों रास्ते खुले थे। प्रशासन के आदेश पर 11 बजे के बाद यहां बैरिकेटिंग हुई थी। बैरिकेटिंग की सूचना पर किसान मौके पर पहुंचे और पुलिस से नाके खोलने के लिए कहा। इसके बाद दोनों जगह से ट्रक और बैरिकेटिंग को हटा दिया गया। उधर किसान मंगलवार की पूरी रात बैठे रहे, बुधवार के दिन की शुरुआत भी नारेबाजी के साथ की। धरना स्थल पर किसानों ने टेंट गाड़ लिए हैं, यहाँ उनका अनिश्चितकालीन धरना है। लघु सचिवालय के गेट पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान तैनात हैं। इन्हें किसानों को किसी भी कीमत पर अंदर न जाने देने के आदेश दिए गए हैं। किसानों ने भी सचिवालय में आवाजाही रोकी हुई है। उनका कहना है कि वे ना तो किसी को अंदर जाने देंगे और ना ही कोई काम होने देंगे। शहर में आवाजाही सुचारू रूप से बहाल कर दी गई है, अब किसी को कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लघु सचिवालय न आने की अपील की गई है, क्योंकि यहां होने वाले सभी काम बाधित हो सकते हैं। दरअसल किसानों ने किसी भी अधिकारी को लघु सचिवालय में प्रवेश न करने देने का ऐलान किया। उधर प्रशासन की तरफ से भी अभी तक आमजन और कर्मचारियों के कामकाज को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। लघु सचिवालय में बने कार्यालयों में रोजाना 5,000 लोग पहुंचते हैं, लेकिन अपील है कि सचिवालय के कामकाज के लिए जरूरी ना हो तो आज न आए। लघु सचिवालय में है ये कार्यालय। रघु सचिवालय में DC, SP, SDM, ई दिशा केंद्र, CM विंडो, तहसील, ट्रेजरी, ADC, DRO, DDPO, DO, निर्वाचन आयोग, श्रमिक कार्यालय, इसके अलावा बैंक, समाज कल्याण, जिला कल्याण और रोजगार विभाग भी हैं। लकड़ियों से बनाई अंगार, सुलगाई, चिलम। सुबह 7 बजे
सचिवालय के चारों तरफ किसान और पुलिस कर्मचारी अधिकारी टहल रहे थे। जगह जगह टोलियों में बैठे किसानों के हाथों में चाय की प्याली थी। कई किसानों ने तो लकड़ियों में आग लगाकर अंगार तैयार करके चिलम भी सुलगा ली थी। वहीं चाय तो कहीं हुक्का पर चर्चा चल रही थी। एक बड़ा झुंड जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद और सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पुलिस की टुकड़ी गेट पर तैनात है, जो केवल किसानों को अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी है। करनाल में इंटरनेट सेवा बंद, बाद की बहाल। प्रदेश सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा को करनाल में 8 सितंबर के दिन भी बंद रखने का ऐलान किया गया था, जबकि बाकी सभी जिलों के इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया। 7 सितंबर के किसान आंदोलन को देखते हुए करनाल के साथ साथ कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और जींद जिले के इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्यों कर रहे किसान आंदोलन और अब तक क्या हुआ? 28 अगस्त को पुलिस ने बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज किया था। पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए करनाल के रायपुर जाटान गांव के किसान सुशील काजल की मौत हो गई थी। इसके विरोध में किसानों ने 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में महापंचायत की। 30 अगस्त को भाकियों ने घरौंडा अनाज मंडी में महापंचायत करके हरियाणा सरकार से 3 मांगे रखी थी। साथ ही महापंचायत और लघु सचिवालय का घेराव करने की घोषणा की थी। 6 सितंबर को प्रशासन ने बातचीत के लिए किसानों को बुलाया, लेकिन बात नहीं बनी। मंगलवार को महापंचायत हुई और किसानों का जमावड़ा देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को प्रशासन ने बातचीत का न्योता भेजा। दोपहर में राकेश टिकैत, गुरनाम चडूनी, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल के नेतृत्व में 15 सदस्यीय कमेटी लघु सचिवालय पहुंची। 3 दौर की वार्ता के दौरान किसान नेता सिर फोड़ने का आदेश देने वाले तत्कालीन SDM आयुष सिन्हा के निलंबन पर अड़े रहे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद बलबीर सिंह राजेवाला के आदेशों के बाद किसानों ने लघु सचिवालय की ओर कूच किया और ये आंदोलन अब भी जारी है। लेकिन आने वाले समय में यह आंदोलन किस तरह का रुख इख्तियार करेगा, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वहीं इस पूरे मुद्दे पर किसान नेता का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा कुछ फसलों पर MSP बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने जो MSP बढ़ाई है वो किस अनुपात में बढ़ाई है? आज जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें, कृषि यंत्रों की कीमतें और हमारे जो कृषि में आने वाली बिजली है उसकी कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई है, गेहूं पर आपने 40 पैसे पर किलो बढ़ाया है, वहीं पिछले एक साल में डीजल पर किस अनुपात में पैसा बढ़ा है? हमको लगता है सरकार को इस पर और विचार करना चाहिए और ये बहुत कम है। दूसरी बात रही MSP की, MSP तो आपने लागू कर दी, हम चाहते हैं कि MSP की गारंटी भी हमको मिले, इसी को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपने MSP घोषित कर दी लेकिन उस पर खरीद नहीं हो पा रही है, जैसे कि पिछले वर्ष हमारे गेहूं की MSP 1975 रुपये थी, जिसका 18% की खरीद हुई, बाकी का किसान 1400-1500 रुपये में गेहूं बेचने को मजबूर है। ऐसे ही धान में होता है, तो हम सरकार से विनती करते हैं कि आपने MSP तो बढ़ाई है, लेकिन इसको कानूनी जामा पहनाकर सरकार हित में एक ऐसा कानून बनाए कि अगर कोई MSP से नीचा खरीदता है तो उसको दंड मिले, तभी MSP कारगर होगी और तभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसान की फसलों पर, गेहूं पर 40 पैसे बढ़ाकर आप किसान की आय कैसे दुगनी कर देंगे? आपने वादा किया था कि 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करेंगे, ये 40 पैसे, 1 रुपया 30 पैसे, 4 रुपये क्विंटल
ऐसे बढ़ाकर 5 रुपए अभी आपने गन्ने पर बढ़ाए थे क्विंटल पे, जो 5 पैसे प्रति किलो होता है, कैसे किसान की आय बढ़ेगी? आपके पास कोई फार्मूला हो तो किसान की आय बढ़ाने का काम करें। दूसरी बात एमएसपी की रही, एमएसपी की घोषणा तो आप कर देते हैं लेकिन वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आपने जो एमएसपी बढ़ाई है उसको दिलाने के लिए एक कारगर कानून भारत में बनाए, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि जो एमएसपी आपने घोषित की है उस एमएसपी पे किसान की खरीद होगी। अभी पिछले वर्ष हमारा गेहूं 1975 रुपए क्विंटल का एमएसपी था, लेकिन किसान 1400 1500 रुपए बेचने में मजबूर थे। वही हाल धान का था, धान की एमएसपी 1865 रुपए थी और किसान 800-900 रुपए में बेचने को मजबूर था। सभी फसलों का यही हाल है। तो हम चाहते हैं कि एमएसपी कानून को गारंटी में लाया जाए, तभी किसान को इसका लाभ होगा। हम चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी भी हमको मिले, इसी को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपने एमएसपी घोषित कर दी लेकिन उस पर खरीद नहीं हो पा रही है। जैसे कि पिछले वर्ष हमारे गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए थी, जिसका 18% की खरीद हुई, बाकी का किसान 1400-1500 रुपए में गेहूं बेचने को मजबूर है। ऐसे ही धान में होता है। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि आपने एमएसपी तो बढ़ाई है लेकिन इसको कानूनी जामा पहनाकर सरकार हित में एक ऐसा कानून बनाए कि अगर कोई एमएसपी से नीचा खरीदता है तो उसको दंड मिले, तभी एमएसपी कारगर होगी और तभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आप किसान की आय कैसे दुगनी कर देंगे? आपने वादा किया था कि 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करेंगे। ये 40 पैसे 1 रुपया 30 पैसे 4 रुपए क्विंटल ऐसे बढ़ाकर 5 रुपए अभी आपने गन्ने पर बढ़ाए थे क्विंटल पे, जो 5 पैसे प्रति किलो होता है, कैसे किसान की आय बढ़ेगी? आपके पास कोई फार्मूला हो तो किसान की आय बढ़ाने का काम करें। दूसरी बात एमएसपी की रही, एमएसपी की घोषणा तो आप कर देते हैं लेकिन वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आपने जो एमएसपी बढ़ाई है उसको दिलाने के लिए एक कारगर कानून भारत में बनाए, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि जो एमएसपी आपने घोषित की है उस एमएसपी पे किसान की खरीद होगी। अभी पिछले वर्ष हमारा गेहूं 1975 रुपए क्विंटल का एमएसपी था, लेकिन किसान 1400-1500 रुपए बेचने में मजबूर थे। वही हाल धान का था, धान की एमएसपी 1865 रुपए थी और किसान 800-900 रुपए में बेचने को मजबूर था। सभी फसलों का यही हाल है। तो हम चाहते हैं कि एमएसपी कानून को गारंटी में लाया जाए, तभी किसान को इसका लाभ हो। धर्मेंद्र होंगे यूपी के प्रधान। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दाव जो है वो बीजेपी ने खेला है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान संभालने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में 8 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है और उनके साथ 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी ने चुनावी टीम के जरिए जातीय और सियासी समीकरण साधने की कवायद जरूर की है। ओबीसी समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव की कमान सौंपी गई है, तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को भी लगाया गया है। तो बीजेपी ने यूपी चुनाव की टीम गठन में सूबे के जातीय समीकरण का पूरी तौर से
ख्याल रखा है। यूपी में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समुदाय की है, जो सूबे की सियासत में अहम भूमिका अदा करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी के पाले में आ खड़े हुए यूपी में सर्वाधिक आबादी वाले पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग को साधे रखने के लिए जेपी नड्डा ने ओबीसी समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव प्रभारी बना दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य में प्रभारी रहते हुए ओबीसी के बड़े तबकों को पार्टी से जोड़ने का काम किया था। बीजेपी का ये कार्ड यूपी में पिछड़ों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी के दाव को बेअसर करने वाला माना जा रहा है। 15 साल के बाद 2017 में यूपी के सत्ता में बीजेपी वापसी में ओबीसी की अहम भूमिका रही है और अब 2022 में ओबीसी को पार्टी के साथ सहेज कर रखने का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर डाल दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान 2017 में उत्तराखंड में जेपी नड्डा के साथ चुनाव की कमान संभाल चुके हैं, यानी कि चुनावों से भलीभूति वो परिपक्व हैं। बीजेपी के सत्ता में वापसी के पीछे उनकी रणनीति का अहम माना जा रहा है, यानी कि उनकी रणनीति जो है वो पूरी तरह से अहम है। प्रधान छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब उनकी परीक्षा यूपी के 2022 चुनाव में होने जा रही है। यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा अब सरोज पांडे के कंधों पर होगा। सरोज पांडे बीजेपी की तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं और छत्तीसगढ़ से आती हैं। काफी लंबे समय से बीजेपी में संगठन का काम संभाल रही हैं। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए सपा से लेकर बसपा तक जुटी है और बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही है। ऐसे में बीजेपी ने सरोज पांडे के जरिए ब्राह्मण समुदाय को एक बड़ा संदेश देने की कवायद की है। हालांकि मोदी सरकार ने पिछले दिनों अपनी कैबिनेट में भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यूपी से अजय मिश्रा को मंत्री बनाकर शामिल किया था। यूपी में भूमिहारों को साधने का काम बिहार के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर के कंधों पर होगा। यूपी में भूमिहार समुदाय भले ही 2% हो, लेकिन वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर में अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पूर्वांचल का इलाका बिहार से सटा हुआ है। ऐसे में विवेक ठाकुर यूपी के भूमिहारों के बीच बीजेपी के लिए अहम रोल अदा कर सकते हैं। भूमिहार यूपी में फिलहाल बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन मौजूदा समय में भूमिहारों का कोई बड़ा नेता नहीं है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो गए हैं, जिससे सक्रिय राजनीति में अब वो नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरा समीकरण जो है वो साधा गया है। किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी यूपी में बीजेपी की समीकरण गड़बड़ा रही है, तो ऐसे में 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी में आया जाट समुदाय किसान आंदोलन के कारण उसके खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जाट समुदाय को साधने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है और कैप्टन अभिमन्यु को यूपी चुनाव का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने हर ओर नजर रखी है, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ओबीसी हो, दलित समाज हो, या फिर ब्राह्मण हो, या फिर क्षत्रिय समाज हो, इन सभी को टारगेट करने की पूरी तैयारी की गई है। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि 2022 के लिए जो बीजेपी की राह है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जितनी आसान बीजेपी सोच रही है उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि चाहे सपा हो, बसपा हो, तमाम जो दल हैं वो लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान यूपी के अगले प्रधान होने जा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आतंकी चलाएंगे सरकार, जी हां, तालिबानी बाशिंदों और पाकिस्तान के दखल के खिलाफ काबुल में लगातार चौथे दिन बुधवार को भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इनकी अगुवाई महिलाएं कर रही हैं। इस दौरान तालिबानियों ने महिलाओं को रोककर विरोध और नारेबाजी बंद करने को कहा, लेकिन वे नहीं मानी। इसी बीच तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है और आप देखिए कि सरकार का ऐलान किया गया है तो कौन कौन से मोस्ट वांटेड आतंकी रखे गए हैं। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद मंगलवार को तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबानी सरकार का मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। वह तालिबान के पिछले शासन में भी मंत्री था और कहा जाता है कि 2001 में अफगानिस्तान के बालियान प्रांत में बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ने की मंजूरी हसन अखुंद ने ही दी थी। उसने इस आदेश को अपनी धार्मिक जिम्मेदारी भी बताया था। तालिबानी सरकार में शेख हिबदुल्ला अखुंदजादा,
सर्वोच्च नेता होंगे जिन्हें अमीर उल्लाह अफगानिस्तान कहा जाएगा। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन के साथ दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। तालिबानी सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। ये तालिबान की अंतरिम सरकार है जिसमें किसी महिला को शामिल नहीं किया गया है। ग्राफिक्स में जानिए तालिबानी सरकार में किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट में ये भी शामिल न्याय मंत्री मौलवी अब्दुल हकीम शरिया, पवित्रता मंत्री शेख मोहम्मद खालिद, उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी, ग्रामीण विकास मंत्री यूनिस अखुनजादा, जन कल्याण मंत्री मुल्ला अब्दुल मनन उमारी, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन नजीबुल्ला हक्कानी, माइंस एंड पेट्रोलियम मंत्री मुल्ला मोहम्मद अस्सा अखुन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर, मिनिस्टर ऑफ एविएशन हमीदुल्लाह अखुनजादा, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वाहा, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी कारी दिन मोहम्मद हनीफ, हज एंड औकाफ मिनिस्टर मौलवी नूर मोहम्मद साकिब, मिनिस्टर ऑफ बोर्ड्स एंड ट्राइबल अफेयर्स नूरुल्लाह नूरी। शरिया कानून से चलेगी तालिबान सरकार। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान के सरकारी और लोगों की जिंदगी से जुड़े सभी मसले शरिया कानून के मुताबिक चलेंगे। बता दें कि औरतों की नाक काटने से लेकर आंखें निकालने तक तालिबान अपनी क्रूरता के लिए शरिया कानून का सहारा लेता रहा है। तालिबान का शरिया। तालिबान क्रूरता की हदें पार करते हुए आज भी हुदूद सजाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये शरिया का एक्सट्रीम वर्जन अपनाते हैं। पश्तो में तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है। तालिबान को खड़ा करने में मदरसों का बड़ा योगदान है। 1990 के दशक में इन मदरसों की फंडिंग सऊदी अरब से होती थी। वहीं से शरिया की विचारधारा भी आ गई। वक्त के साथ तालिबान की कट्टरवादी सोच और गहरी होती गई। 1996 से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई। देश में शरिया कानून लागू हो गया है। सार्वजनिक सजा देना आम हो गया है। म्यूजिक टीवी और वीडियो पर बैन लगा दिया गया है। जो शख्स 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था या दाढ़ी कटवा लेता था उसे सार्वजनिक रूप से पीटा जाता रहा है। तालिबान के राज में किस तरह की हो सकती है न्यायपालिका, सबसे बड़ा सवाल। माना जा रहा है कि न्यायपालिका सीधे सुप्रीम लीडर के अंदर काम करेगी। सुप्रीम लीडर ही चीफ जस्टिस को नियुक्त करेगा और चीफ जस्टिस सीधा सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करेगा। ईरान में भी चीफ जस्टिस के पास गार्जियन काउंसिल के सदस्य को भी नियुक्ति करने का अधिकार होता है। ऐसी ही व्यवस्था तालिबान अपना सकता है। इससे पहले तालिबान जब शासन में था तब उसने अलग अलग जगहों पर अपनी कोर्ट बना रखी थी। इन कोर्ट में दीवानी मसलों में फैसले के लिए स्थानीय इस्लामिक विद्वानों की राय ली जाती थी। तालिबान की कोर्ट विवादों की तत्काल सुनवाई और फैसलों के लिए लोगों के बीच चर्चा में थे। दो तरह की हो सकती है कोर्ट। तालिबान की नई सरकार में दो तरह की कोर्ट हो सकती है, एक पब्लिक और दूसरी शरिया। मुसलमानों से जुड़े मसलों की सुनवाई शरिया कोर्ट में हो सकती है और दूसरे धर्मों के लिए पब्लिक कोर्ट में न्याय के लिए जा सकते हैं। शरिया कोर्ट न्याय के लिए पूरी तरह शरिया कानूनों का सहारा लेगी। तालिबान शासन में कैसा होगा सेना का रोल। सेना पर सीधा सीधा कंट्रोल सुप्रीम लीडर का होता है। ईरान में जिस तरह से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स हैं, उसी तरह तालिबान में भी सेना की एक विशेष कमांड हो सकती है। तालिबानी प्रवक्ता ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान एक नई नेशनल फोर्स की स्थापना करने की प्लानिंग कर रहा है। इस फोर्स में तालिबानियों के साथ साथ अफगानिस्तान सेना के सैनिक भी होंगे। तालिबान ने अफगानी सेना में रह रहे पायलट और सैनिकों से कहा है कि वो दोबारा सेना ज्वाइन करें। तालिबान 1.0 में किस तरह की सरकार थी। तालिबान ने 1996 से 2001 के दौरान अफगानिस्तान पर शासन किया। इस दौरान तालिबानी सरकार खुद को इस्लामिक एमिरेट कहती थी। हालांकि उस समय तालिबान की सरकार को चंद देशों ने ही मान्यता दी थी, लेकिन करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और इसी के साथ साथ की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सीधे आपसे जुड़ी हैं।